सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक हितविंदर में। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कैलकुलेट किया था कि दो डेट्स के बीच मंथ्स को कैसे कैलकुलेट करना है अगर हमारे पास दो डेट पिकर हैं। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे उनके इन बिटवीन ईयर्स मंथ्स एंड डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। सो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक डेट टाइम पिक कर लिया, कंट्रोल सी और वी किया, उसकी कॉपी क्रिएट कर ली। आपको जैसे पता ही होगा खुद ब खुद जो डेट पिकर है जब उसकी हम कॉपी क्रिएट करेंगे तो उसका जो नेम है उसको असाइन हो जाएगा। पहला जो डेट पिकर है वो 1 है, दूसरा जो डेट पिकर है ऑटोमेटिकली वो 2 हो जाएगा। सो ऐसे करते हैं, इसे पिन को हटा देते हैं। सो एक मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर बटन की। तो आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग बटन भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो यहाँ पे मैं बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यूज़ करूँगा उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी से मैंने उसे क्या किया, शो फंक्शन, उसका नाम शो रख दिया। तो यहाँ पर मैं करूँगा डबल क्लिक, तो इसका डिफ़ॉल्ट इवेंट जो होता है क्लिक इवेंट वो ओपन हो जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं डेट टाइम का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार्ट डेट, सो मैं कैमल नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा डेट टाइम, जैसे ही मैं पिक कर लिखने की कोशिश करूँगा अपने आप सजेशन आ जाएगा डॉट वैल्यू। सो सेमी कॉलन, ऐसे ही डेट टाइम, एक हम जो दूसरा डेट पिकर है उसको मान लेते हैं कि हमारा वो एंड डेट है। वैसे तो हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और नाम रख के, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे मर्जी लिख दो ऐसे ऐसे करके, बाद में हम उसे ठीक कर लेंगे। डी छोटी लगानी है यहाँ पे, टी कैपिटल आएगी और पिकर की पी कैपिटल आएगी, टू डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे दो डेट एंड टाइम पिकर की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पे ईयर्स कैलकुलेट करना जो है बहुत ही सिंपल है। तो आपको पता ही होगा ईयर्स कभी अभी फ्लोटिंग में तो आ नहीं सकते। ओ यस, कैसे उसको पता चल गया मैंने ईयरली लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ईयर, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड डेट डॉट ईयर माइनस, उस ब्रैकेट को हटा देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट डेट डॉट ईयर। तो अगर हम सही फिल करेंगे तो अपने आप ये ईयर है। वो सही आएगा। अगर हम स्टार्ट डेट में नेक्स्ट ईयर या उससे अगला ईयर दे देते हैं तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एंड डेट में उसे आगे रखा है क्योंकि एंड डेट में हम लास्ट ईयर डालेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा ईयर डॉट, क्योंकि जो मैसेज बॉक्स है उसमें सिर्फ हम स्ट्रिंग्स ही डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हमने अपने जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का ईयर को उसको कन्वर्ट कर लिया है स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पर मैंने दबाया F5। तो चेक करते हैं पहले कि हमारे पास ये ईयर है वो आ गया है कि नहीं आ गया है। तो यहाँ पे मैं ऐसे अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा शो पे डायरेक्टली, तो 0 आंसर आया क्योंकि ईयर में से ईयर सेम है। तो यहाँ पे 2023 क्या एक साल आ गया है, और यहाँ पे आ गया है हमारे पास टोटल 3। तो ऐसे ही आप बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ गई बारी कि हम मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए भी एक लॉजिक है, इंट मंथ्स इज इक्वल टू, ठीक है हमारे पास ईयर तो अभी है, हम ईयर को क्या करते हैं ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से और देखते हैं कि आंसर सही आता है या नहीं आता है। सो सेम प्रोसेस को हमने रिपीट किया यहाँ पे। एक और भी तरीका होता है मंथ निकालने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ्स डॉट टू स्ट्रिंग। सो इसे मैंने फिर से रन किया, बीच में थोड़ा काम आ गया था। तो यहाँ पे हमारे पास अब मैं करूँगा शो, शो पे जैसे ही क्लिक करूँगा क्योंकि ईयर तो हमने चेंज ही नहीं किया, डेट सेम है, यहाँ पर मैं ईयर एक आगे कर देता हूँ 1 और 12 मंथ्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं मंथ को आगे बढ़ा देते हैं, सितंबर कर दिया,
बट यहाँ पे आंसर जो है स्टिल 12 है, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है मंथ, सॉरी ईयर को मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है। बट जो एक्स्ट्रा हमारे पास मंथ है उसे हम कैसे निकालेंगे, जस्ट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा एंड डेट डॉट, यहाँ पे हमारे पास होता है मंथ, एंड डेट का जो मंथ है उसे हम क्या करेंगे स्टार्ट डेट का जो मंथ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो क्या होगा, इससे जो एक्स्ट्रा मंथ है अगर हमारे पास वो वहाँ से सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास जो हमारा आंसर है उसमें ऐड हो जाएगा। पहले पुराना ही आंसर देखते हैं, 112, यहाँ पे मैंने अगस्त की जगह पे किया सितंबर 113, तो यहाँ पे मैंने किया अक्टूबर और यहाँ पे आ गया 14। तो वैसे हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे मंथ्स निकाल लिए उसमें से। तो अभी बारी है जो अगला काम है वो है हमारे पास कि नंबर ऑफ डेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन बिटवीन डेज, और वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी, उसके लिए मुझे लेना होगा टाइम स्पैन। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेज, टाइम स्पैन में अभी मैं क्या करूँगा जो एंड डेट है एंड डेट डॉट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा स्टार्ट डेट में से, सीधा मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम स्पैन आ जाएगा। टाइम स्पैन में क्या आ जाएंगे हमारे पास, सीधा डेज आ जाएंगे। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज बॉक्स फिर से डॉट शो डेज डॉट टू स्ट्रिंग, सिंपल सी बात। चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ रहे हैं। तो पता नहीं F9 पे क्यों आज चला जाता है हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं 1 नंबर ऑफ मंथ्स, एंड यहाँ पे हमारे पास डेज जो है वो आ गए हैं। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डेज, उसमें सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, राउंड ऑफ करने के लिए डेज जो टाइम स्पैन होता है उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है या कह लो तो उसका नाम होता है डेज, उसको हमने क्या किया यूज़ किया और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अभी फिर से वही चलाते हैं, तो क्योंकि ये टाइम स्पैन है इसमें टाइम डेज सारा कुछ आ रहा है 12, और हमारे पास 364 दिन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगस्त 3 करता हूँ, 12 मंथ है 365 डेज है, और बिल्कुल एक्यूरेटली ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज भी आ गए हैं। तो मैंने बताया था कि एक और वे है मंथ्स को कैलकुलेट करने का, वो कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डेज जो होते हैं हमारे पास उसे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 30.417, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो लगभग एग्जैक्टली उसी के नज़दीक आ जाएगा जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकाले हैं, सॉरी नंबर ऑफ मंथ्स निकाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक डबल वेरिएबल लेता हूँ, डबल टाइप का, डबल टी डेज मैंने टोटल डेज में हमने डेज में से डेज की वैल्यू जो है वो डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मंथ को इंटीजर में कैलकुलेट करना चाहिए, तो या तो हम डबल ले लेते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डबल मंथ्स, सो इसमें एन मंथ्स लिख लेते हैं, टी डेज, क्योंकि जो डिवीजन है उसे फिर कन्वर्जन करनी पड़ेगी, आप उसे क्या कर सकते हैं बाद में राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो डेज को 12 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अप्रॉक्सीमेटली 30.417। तो मैसेज बॉक्स को ऐसे करते हैं, कॉपी मार लेते हैं, यहाँ पे इतनी देर कौन लगाए। यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा एन मंथ्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो लीजिए हमारा अभी प्रोग्राम ये बिल्कुल सही वैल्यू निकालेगा। तो मीन्स आप मंथ्स ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले नंबर पे हमने क्या डिस्प्ले किया शो में, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ फिर से मंथ्स।
यहाँ पे जो फिगर है वो कैसी आ रही है, 11.96 आ रही है। तो आपको इसे क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो आप मैथ में से राउंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं मैथ क्लास का, तो और इसे राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप, एक इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो उम्मीद करूँगा आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।